जनपद बिजनौर विधानसभा 17 से कांग्रेस प्रत्याशी रहेंगे सलीम अंसारी और लड़ेंगे कई मुद्दों के साथ चुनाव। जी हां, आपको बताते चलें, नजीबाबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सलीम अंसारी ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कही और कई मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही। कांग्रेस प्रत्याशी सलीम अंसारी ने बताया कि 10 सालों से विकास के नाम पर राजनीति कर रहे विधायक ने विकास के नाम पर सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा किया, बाकी विकास कुछ नहीं किया। कांग्रेस प्रत्याशी सलीम अंसारी ने कहा कि वे शिक्षा को लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बेरोजगारी को लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सलीम अंसारी इन सभी चीज़ों का लाभ देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को, और उन्होंने जनता से अपील की है कि अपना कीमती वोट देकर उनको कामयाब बनाएं। साथ ही हमारे संवाददाता मोहम्मद अरहान ने पूर्व जिलाध्यक्ष सुधीर पराशर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी नगर पंचायत पूरी विधानसभा में पूरी तरह से चुनाव की तैयारी है और वह सलीम अंसारी कांग्रेस प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने बताया कि वे किसानों का मुद्दा उठाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, युवाओं का मुद्दा उठाएंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। यूपी उत्तराखंड न्यूज़ 24/7 के लिए आप देख रहे थे नजीबाबाद से मोहम्मद अरहान की ये चुनावी रिपोर्ट। जी सलीम अंसारी साहब, जैसे कि आपको कांग्रेस ने नजीबाबाद विधानसभा से चुना है, तो आप किस मुद्दे के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? इलेक्शन लड़ने के ऐसे तो कांग्रेस के पास अनेक मुद्दे हैं, लेकिन हम भी इस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि हमने यहाँ 10 साल पिछले ऐसे विधायकों के देखे हैं जो नाकाम विधायक हैं हमारे। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी विधानसभा में इलेक्शन लड़के यहाँ के दबे कुचले मजदूर सभी लोगों की सेवा करें और हर किसान की या मजदूर की सबकी आवाज़ उठाएं। हर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने से पहले एक लक्ष्य लेके चलता है, आपका क्या लक्ष्य होगा? हमारे लक्ष्य है ना, मैं हमारी विधानसभा में स्कूल की व्यवस्था है, एजुकेशन की व्यवस्था है और क्या बेरोजगारी की व्यवस्था है और ये मेडिकल लाइन की जो भी व्यवस्था है, इन सब पे हमें खूब जोर शोर में मेहनत करनी है। क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? क्षेत्र की जनता हमें प्यार से जिता कर लाएगी तो हम इनकी सेवा करेंगे इंशाल्लाह। चलिए धन्यवाद बात करने। सर, चुनावी माहौल चल रहा है और सभी पार्टी अपने अपने इलेक्शन की तैयारी में लगी हुई हैं, तो आपकी क्या तैयारी है इस बार? हमारी तैयारी बूथ स्तर पर हमारी तैयारी है, नया पंचायत स्तर पर हमारी तैयारी है। हम सलीम अंसारी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और विधायक होंगे सलीम अंसारी। अच्छा सर, हर पार्टी अपना एक मुद्दा लेके चल रही है, तो इस बार आपकी पार्टी क्या मुद्दा लेके चल रही है इलेक्शन में? मुद्दा है सब, छात्रों का मुद्दा हमारे पास है, किसानों का मुद्दा हमारे पास है, युवाओं का मुद्दा हमारे पास है, बेरोजगारी का मुद्दा हमारे पास है, महिलाओं का मुद्दा हमारे पास है, हर मुद्दा हमारे पास है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।